7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया। इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पर जमीनी हमला कर दिया, लेकिन हमास को बचाने के लिए यमन का हूती सबसे पहले मैदान में उतरा और उसने लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े मालवाहक जहाज और सैन्य जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। हूती ने लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर में अभी तक 80 से ज्यादा हमले किए हैं। हूती के हमलों की वजह से पूरी दुनिया का समुद्री व्यापार चरमरा गया है और हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने जनवरी 2024 के आखिरी में यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन इन हमलों के बावजूद भी हूती के हमले नहीं रुके। हूती ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाया और अब तो नौबत ये आ गई है कि अमेरिका के सब्र का बांध टूट चुका है और यही वजह है कि हूती को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी तरकश से हूती के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार को निकाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की। अब अमेरिका ने इसी बॉम्बर से यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। इसकी जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दी है। ऑस्टिन का कहना है कि इन बॉम्बर्स ने जमीन के नीचे मौजूद हूती के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका की टारगेट्स को लक्षित करने की ताकत का एक अनूठा प्रदर्शन था जिसे हमारे विरोधी पहुंच से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जमीन के कितने भी नीचे हो। अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से अमेरिका की वैश्विक हमले की क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। वहीं अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का कहना है कि अमेरिकी सेना ने यमन के भीतर हूती के 5 अंडरग्राउंड हथियार डिपो को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से उड़ा दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हूती पर हमले का आदेश राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से दिया गया था ताकि उसकी ताकत को कम किया जा सके। अमेरिका का कहना है कि हूती के इन हथियार डिपो में कई तरह के उपकरण थे जिनका इस्तेमाल लाल सागर में हमले में हुआ था। आपको बता दें कि अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एक बेहद ही ताकतवर जेट है। ये सामान्य लड़ाकू जेट्स के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बड़े बमों को ले जा सकता है। ये बॉम्बर परमाणु बम भी ले जा सकते हैं। ये 20 टन के बम और 227 किलो के GPS गाइडेड बमों को ले जा सकता है। साल 1999 में कोसोवो युद्ध में अमेरिका ने इनका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। इसके बाद इन्हें अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में तैनात किया गया। हालांकि सैन्य अभियानों में अमेरिका इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल बेहद ही कम करता है क्योंकि इस एक बॉम्बर की कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है। वहीं इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर यमन के सादा प्रांत पर कई हवाई हमले किए और इन हमलों को लेकर हूती के एक प्रवक्ता ने कहा कि यमन पर इस हमले की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी और यह हमला यमन को गाजा और लेबनान का समर्थन करने से नहीं रोक पाएगा। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों में हूती ने अमेरिका को कई तगड़ी चोट दी है। हूती ने अभी तक अमेरिका के कुल 11 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया है और 27 सितंबर 2024 को हूती ने लाल सागर में अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया था। ये तीनों ही कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। हूती का ये भी कहना है कि उसने अमेरिकी नौसेना पर करीब 23 बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और एक तरफा ड्रोन्स फायर किए थे और यही वजह है कि हूती के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन के जेट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लेकिन अमेरिका द्वारा की गई इस बमबारी के बाद हूती के हमलों में कितना ब्रेक लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।